अभी गुजरात में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में कम वोट मिला है, यह बड़ी खबर एक और है। एग्जिट पोल में बीजेपी का वोट 49.1 से 47% हुआ, सीटें बढ़ गई हैं। हालांकि इसका ठीक रिवर्स हुआ था 2012 और 17 में, इसका ठीक रिवर्स हुआ था, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में कांग्रेस को गुजरात में भारी नुकसान है। यह आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है, यह सोचने वाली बात है। एग्जिट पोल में कांग्रेस का वोट 41.4 से 35% पहुंचा, आम आदमी पार्टी को 12% वोट मिलने का अनुमान है। यह अनुमान है, यह एग्जिट पोल है, यह फाइनल नहीं है। यह फाइनल जो होगा वो हम आपको सबसे पहले 8 तारीख को बताएंगे, लेकिन यह देखिए आप, और उस दिन भी सबसे पहले सबसे तेज नतीजे और रुझान आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर मिलेंगे। लेकिन अब रामकृपाल जी के पास ये एग्जिट पोल और इस पर उनकी टिप्पणी लेने चलता हूं। दिनेश जी, जो आपका एग्जिट पोल है उससे देख मैं एक निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूं कि गुजरात में जो अब तक के तमाम दावे लोग कर रहे थे, हकीकत यह है कि वहां पे दो अखाड़े थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक अखाड़े में कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही थी और दूसरे अखाड़े में निर्दलीय और आप पार्टी लड़ रही थी। ये जो 5 सीटें आप दिखा रहे हैं, आप पार्टी से ज़्यादा निर्दलीय, मुझे नहीं पता कि ओवैसी के कितने कैंडिडेट इसमें जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, निर्दलीय में कौन कौन आते हैं, लेकिन कुल मिला के जो आप दिखा रहे हैं वो यही है कि आप पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस का ही वोट नहीं काटा है, कुछ हद तक बीजेपी का भी वोट काटा है। और मैं बताऊँ, आजमगढ़ के लोकसभा ये एमपी सीट पर जो चुनाव हुआ है अखिलेश के इस्तीफा देने के बाद, वहाँ बीजेपी 19 के मुकाबले कम वोट पा करके पहली बार बीजेपी वहाँ जीती है। सर मैं आपको रोक रहा हूँ, एग्जैक्टली आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है एमसीडी में या बुरी खबर है, और उसके लिहाज से वो गुजरात को इंटरप्रेट करेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि वो उस चश्मे से देखेंगे कि देखिए हमने एमसीडी में ये किया, अब हमने गुजरात में भी ये कर दिया। लेकिन अगर एमसीडी में घुस गए तो क्या होगा, एमसीडी में उठ गए तो क्या होगा, 7 बजे हम आपको बता रहे। लेकिन द्विवेदी साहब, ये मुझे कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आया, और ये अक्सर हर चुनाव में समझ में नहीं आता है। वोट शेयर कम हो रहा है, सीटें बढ़ रही हैं। पिछली बार सीटें कम हो गई थी, वोट शेयर बढ़ गया था, ये क्या मामला है द्विवेदी साहब? नहीं निशान जी, इसमें आप शुरू ही किए थे जब अपनी बात रखनी, तो आपने कहा था कि 2002 में भाजपा को 49% वोट मिले थे, एग्जैक्टली 49% से थोड़े ज्यादा वोट मिले थे, और उस समय रिकॉर्ड 127 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। 2017 के चुनाव में भी भाजपा को 49.1% वोट मिले, लेकिन अब तक का सबसे कम सीट 49% होने के वोट आने के बावजूद भाजपा को मिले। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वोट परसेंटेज का सीटों में जो एक तरह से उसको ट्रांसलेट होती हैं सीटें, वो काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं स्थिति और समीकरण पे। एक चीज़ तो आपके इस आंकड़े से साफ समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार जिस ढंग से दक्षिण गुजरात और खास करके कच्छ और सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी जिस ढंग से कांग्रेस का नुकसान कर रही है, उसका सीधा फायदा सीटों में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि असल में दिख रहा है, अगर वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद, वोट शेयर कम होने के बावजूद सीटें बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष का वोट है वो बटा है, और विपक्ष का वोट बटने की वजह से वो उधर सीटों में कम हुआ, इधर ज्यादा। जरा जल्दी से देखिए क्या क्या निकाला गया सर्वे में, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या था।